हेलो दोस्तों, अभी मैं गढ़ में हूँ, गढ़मुक्तेश्वर में, और यहीं ब्रजघाट और गढ़ के बीच में टोल प्लाजा है, वहीं पर हूँ। और ये अपना वाटर पार्क, इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं परसों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर पार्क में क्या क्या है, कैसे है। तो अभी साइड में देख रहे होगे, इधर साइड में ये होटल है, ठीक है, और ये इधर वाटर पार्क है, डिज्नीलैंड। तो मैं अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है इसमें और कैसे कैसे है, कितना बढ़िया स्पेस, और ये सब पार्किंग एरिया, ये पार्किंग एरिया। और उधर दिखाता हूँ, ये हाईवे है सामने, NH 24 है, और ये इधर गढ़ और इधर ब्रजघाट, यहीं पे बिल्कुल पास में टोल है सामने, तो वहाँ पर हैं हम। अभी मैं चलता हूँ और अंदर की तरफ चल रहे हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये डिज्नीलैंड का गेट है, ये गेट है, एंट्री है यहाँ से। उधर टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट काउंटर है ये। अभी इधर अंदर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ से, ये देख रहे हो भाई खड़ा हुआ है। हेलो। तो अभी ओपनिंग कर रहे हैं हम लोग परसों को, कल हमारा फैमिली ट्रायल है, यहाँ पे फैमिली रहेंगी हम लोगों की, और यहाँ पे ट्रायल रहेगा कल को, देखते हैं सारा। अभी काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, और परसों को ओपनिंग करेंगे। चलो भाई देखते हैं। तुम्हारे फोन, भाई का फोन ही लगा रहता है, मैं फ्री हूँ। तो देखो मेरे साथ हैं रोहित भाई, अभी नितिन भाई तो चले गए, उनका फोन आ गया था तो वो तो निकल गए, तो रोहित भाई है मेरे साथ। हम लोग आपको पूरा पूरा वाटर पार्क दिखाते हैं, पूरा डिज्नीलैंड दिखाते हैं, क्या है कैसे है। तो सबसे पहले किधर से, ये टाइफून स्लाइड है, और इधर दिखाते हैं सबसे पहले, ये बच्चों के लिए दिखा देते हैं, उसके बाद पूरा वेव पूल से शुरू करेंगे, वेव पूल से शुरू करेंगे और सारा स्लाइड दिखाएंगे। तो यहाँ से ये पेंडुलम स्लाइड है ना, यहाँ से दिखाते हैं एक बार, इसको दिखा देते हैं, ये बच्चों के लिए छोटी सी सबसे बढ़िया स्लाइड पेंडुलम। अब पता नहीं इस पे कौन, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, शायद आ जाऊंगा। यार तो क्या है ये, एक साथ हाँ दो बंदे एक साथ आएंगे, चिल्लाते रोहित भाई मैं और आप ही चलेंगे साथ में। ना मैं ना जाऊंगा, ये बहुत ऊंचाई है। अरे आप ही जाओगे, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत ऊंचाई भाई। तो देखो बच्चों के लिए ये बच्चों के एंटरटेनमेंट का है। हाँ अभी इनका काम चल रहा है, साफ सफाई चल रही है, तो शाम तक ये हो जाएगी, ये बच्चों के एंटरटेन के लिए। ये झूले वगैरह यहाँ पर, और उधर तो होटल है, और एक ये टावर, हाँ बच्चों के लिए, इधर ऊपर जाता है, गोल गोल घूमता है वो वाला टावर, और उस पर बैठ जाते हैं, नीचे आ जाता है। तो ये सब बच्चों भाई वाला, ये वाला है ट्रेन, उधर वो झूले ना वाले दो, क्या है, मिनी कोलंबस है, ट्रेन कोलंबस। तो ये तो चलो भाई, रोहित भाई उधर चल रहे हैं, वेव पूल से पूरा वो दिखाते हैं, पूरा वाटर पार्क। तो चलिए अब हम देखो इधर वेव पूल की तरफ जा रहे हैं, आपको पूरा दिखाते हुए। इधर से देखो ग्रीनरी भी, और ये काफ़ी अच्छा किया हुआ है पूरे पार्क को डेकोरेट। देखिए ये वाटर पार्क का पूरे का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी काम चल रहा है, आप देखोगे जगह जगह काम चल रहा है, इधर भी उधर भी स्लाइड्स पे भी काम चल रहा है। तो अभी आज काम ख़त्म हो जाएगा, कल एक ट्रायल है, फैमिली ट्रायल, और परसों 3 अप्रैल से इसकी ओपनिंग हो जाएगी, तो सभी का वेलकम है। और मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा है क्या। देखो ये एक वेव पूल है, ड्रिजलिंग लैंड गढ़, ड्रिजलिंग लैंड वेव पूल, वेव्स के साथ में, वेव्स के साथ में आराम से वाथिंग होगी। और ये उधर 3 शावर लगे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कितने स्लाइड के साथ में है, ये भी पानी देखो कितना कितना क्लीन पानी है, और अभी तो चल ही रहा है, कल को ये पूरा होगा अच्छे तरीके से। उधर चलते हैं, उधर देखते हैं उधर क्या है। इधर ये डीजे वाला, डीजे डांस, रेन डांस, यहाँ पे ये रेन डांस है। इधर डीजे फ्लोर रहेगा, ये ऊपर से सावर है, ऊपर दिख रहा होगा फ्लोर पे, वो सावर से पानी आता रहेगा, और यहाँ पे डीजे डांस, रेन डांस है।
ये अभी काम चल रहा है, तो ये पहले वाला ये दिखाते हैं। ये फैमिली पूल है, अभी काम चल ही रहा है इसमें। ये फैमिली पूल है, उधर शावर भी लगे हुए हैं दो, और ये सब ऊपर से स्लाइड, ये बच्चों के लिए छोटी छोटी स्लाइड है बच्चों के लिए, और ये दो बड़ी स्लाइड्स के साथ में ये वाला पूल है। दो बड़ी स्लाइड ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक राउंड स्लाइड है और ये एक सीधी स्लाइड है, और काफ़ी ऊपर से आ रही है। अभी ऊपर भी चलेंगे, टावर पर चलेंगे और टावर से दिखाएंगे। उधर टाइफून स्लाइड है, एक टाइफून स्लाइड दूसरे पुल में, एक छोटा पुल है उसमें टाइफून स्लाइड है, वो ऊपर से आ रही है सीधी स्लाइड। तो अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये जेंट्स चेंजिंग रूम है और ये लेडीज वॉशरूम चेंजिंग रूम है। इधर ये कुछ बर्ड्स, कबूतर, ये कैंटीन है, अभी ओपन हो जाएगी। इसके पीछे इधर साइड में रेस्टोरेंट है और होटल्स है, रूम्स है। ये टावर की तरफ रास्ता है, ऊपर चले रोहित भाई, इधर से चलो, इधर से ही चलते हैं। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखेंगे क्या है। ये रोहित भाई है मेरे साथ में तो ये अपने खली मैन मैं एक बार बाहर भी दिखा देता हूँ। उधर देखो, उधर देखो, वो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा। उधर ब्रजघाट है, ब्रजघाट से टोल प्लाजा, इधर गढ़ है, ये NH24 है ही। यहाँ पर ये पार्किंग वगैरह, ये पेंडुलम स्लाइड देखो आप, कितनी बढ़िया बेहतरीन है। ये पेंडुलम स्लाइड है, ये बच्चों के लिए वो झूले, पूरा यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है, पूरा। ये मल्टी स्लाइड है, यहाँ से देखो ये राउंड होते 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 नीचे की तरफ जा रही है। ये एक स्लाइड है, अभी उस पर नीचे कुछ काम चल रहा है। और देखो यहाँ से वो वेव पूल हो गया, यहाँ पे एक पूल हो गया, इधर साइड में ये स्लाइड जहाँ पे जाएगी वो एक फैमिली पूल हो गया। नहीं, ये तो इसी में जाएगी, फैमिली पूल इसके साइड में, वे मल्टी स्लाइड पूल के साइड में। और ये एक स्लाइड है जो वहाँ पर उसमें जा रही है, वहाँ पर वो डीजे फ्लोर हो गया, डीजे रेन डांस हो गया। तो कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा आ रहा है। रोहित भाई बताओ आप, मेरे हिसाब से तो इस अपने एरिया में, और गढ़, गजरोला, ब्रजघाट, स्याना, इस सारे एरिया में मेरे हिसाब से है नहीं कोई ऐसा अपना वाटर पार्क जैसा, इस रीजनेबल रेट में, इस प्राइस में, और इतना, मतलब इतना मस्ती के साथ यहाँ पे। अभी कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, कल को दिखाऊंगा मैं, कि कल तो ट्रायल ही दिखाऊंगा, उसके बाद में परसों दिखाएंगे ना, परसों को ओपनिंग करेंगे तब दिखाएंगे कि कैसा। 3 तारीख से आपका वेलकम है, सबका वेलकम है 3 तारीख से, 3 अप्रैल से। और अब दिखाएंगे, पहली बात तो यहाँ पर है कहाँ, या तो मुरादाबाद है या फिर मेरठ है या फिर गाजियाबाद है, उससे पहले कहीं है नहीं। तो अभी यहाँ पर बीच में अपना ये है, और काफ़ी मैंने दिखाया आपको, देखो कितना कितना बढ़िया लुक आपको, एक पूरे स्पेस का साथ में, बढ़िया स्पेस के साथ में, और चारों तरफ ग्रीनरी है, वैसे भी चारों तरफ खेत वेत हैं, वैसा नहीं है कि हाँ एक ऐसा माहौल हो कि शहर वाला। बिल्कुल खेतों के बीच में, बस उधर एक हाईवे है, तो हाईवे से आने में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं, देखते हैं कल कैसा रहेगा और परसों कैसा रहेगा, तो देखते हैं फिर है। चलिए तब तक के लिए बाय।